ये दिवाली तो हमारे सामने ऐसे ऐसे प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं कि धर्म की जय जयकार हो। आज सुबह समाचार पढ़े कि लंदन का अगला प्रधानमंत्री मूल भारतीय बनेगा। देखो समय की ताकत क्या है। जो ब्रिटिशरों ने हमारे पर 200 साल राज किया, अब ब्रिटिशरों के ऊपर कौन राज करेगा? ये समय है, समय बड़ा बलवान है, नहीं मनुज बलवान। ये समय की ताकत है। जो व्यक्ति जो ये कहता था कि हम भारत के ऊपर राज करेंगे और 200 साल तक हमें गुलाम बना करके रखा, और अब बारी उनकी आ गई। आज पूरे ब्रिटेन का जो सबसे मेन है वो लंदन, वो यूरोप, और यूरोप कंट्री में भी लंदन के ऊपर राज किसका? तो ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बनेंगे, मूल भारत। अभी अभी मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। धर्म की ताकत क्या है मैं आपको बताना चाहता। चाहे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे ब्रिटेन के बनने वाले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, धर्म के बिना जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ पाया। 2015 में जब वो ऋषि सुनक पहले सांसद बने तो उनको शपथ के लिए बुलाया गया। समझना धर्म की ताकत, शपथ के लिए बुलाया गया। और जब शपथ के लिए उनको लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे शपथ नहीं लूंगा। कहा कैसे लूंगे? कहा कि मैं भगवद गीता को सामने रख करके शपथ लूंगा। 42 साल का वो युवान ये कहता है, जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो ये कहता है कि मेरे भीतर धर्म है, बिना धर्म में राजकारण पॉलिटिक्स में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और 2015 में उन्होंने ये कह दिया पूरी ब्रिटेन की संसद के सामने कि मैं पहली बार यदि शपथ लूंगा तो भगवद गीता को सामने रख करके शपथ लूंगा। और ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा बना कोई व्यक्ति ने भगवद गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ ली। उनको पूछा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, हम जीवन में क्या सीखे? हमें उनकी बड़ाई दिख जाती है, बड़े बन गए वो दिख जाते हैं। हमें ये ज्ञान आ जाता है कि 42 साल की उम्र में आदमी ब्रिटेन का बड़ा प्रधान बन जाए, कितनी बड़ी सिद्धि है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां कोई गोरा नहीं लेकिन कोई भारतीय बड़ा प्रधान बन रहा है। हमारे लिए तो दिवाली सही मायने में दिवाली। कभी ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खबर आती है, कभी लंदन से अच्छी खबर आती है। हमारी तो सही मायने में दिवाली हो गई। कहा के तुम्हारे जीवन की प्रोग्रेस का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में तीन चीजों को नहीं छोड़ा। कहा कौन सी तीन चीज? कहा जीवन में मैंने शास्त्र को नहीं छोड़ा, यानी भगवद गीता को मैं मेरे हमेशा साथ में रखता। कहा कि जब मैं परेशान हुआ, अभी संजोग ऐसे बने 2 महीने पहले कि शायद वो पीएम नहीं बनेंगे, बड़ा प्रधान नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब भी मेरा सहारा भगवद गीता ही थी। जब जब जीवन में मैं परेशान होता हूँ एक ही ग्रंथ मेरे साथ में रखता हूँ, भगवद गीता, उसको पढ़ लेता हूँ, मुझे सारे मार्ग मिल जाते हैं। एक देश का बनने वाला बड़ा प्रधान ये कहे, इससे बड़े शास्त्र की ताकत क्या हो सकती है? ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा धर्म के साथ जुड़ाव नहीं, ज्यादा धर्म के साथ लेना देना नहीं, लेकिन उसने भी कह दिया कि भगवद गीता मेरे प्राण है, जब मैं परेशान होता हूं परेशानी में राह दिखाने वाला कोई है तो भगवद गीता है। और आप कभी मैच करके बैठना, देखना, आपने यदि भगवद गीता पढ़ी हो और आपने यदि उत्तराध्यन सूत्र पढ़ा हो, दोनों को मैच करोगे तो आपको करीबन करीबन प्राय महसूस होगा कि करीबन ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। फिलोसॉफी सेम है, विचार सेम है, कर्मवाद सेम है, कर्म के सिद्धांत सेम है। क्योंकि भगवत गीता में यदि श्री कृष्ण ने लिखा कि यथा देनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, पहले किए हुए कर्म आदमी को भुगतने पड़ते हैं। तो वही बात उत्तराध्यन सूत्र में परमात्मा महावीर ने लिखी, कलाण कम मानन मुख अति, कर्मों का क्षय किए बिना मोक्ष नहीं होने वाला है। आप देखोगे तो आपको प्रतीत होगा कि पैरेलल फिलोसॉफी करीबन करीबन एक समान है। कहा कि मैं शास्त्र को नहीं छोड़ता। दूसरे नंबर में कहा कि मैं संस्कृति को नहीं छोड़ता। इतने साल से लंदन में रहता हूं लेकिन फिर भी दीपावली के दिन मेरे घर के आगे दीपक जलाए जाते हैं। हम भारत में रह के भी मोमबत्ती के ऊपर आ गए। मोमबत्ती सस्ती पड़ती है, दीपक महंगे लगते हैं। कोई 10 दीपक किसी से खरीद लोगे तो उसकी भी दिवाली अच्छी बन जाएगी, उसकी भी दिवाली सफल हो जाएगी। हम मोमबत्तियां लेकर के आते, मोमबत्ती जलाते हैं। अरे मोमबत्ती हमारे यहां जलाने का रिवाज नहीं है, हमारे यहां ये परंपरा नहीं है, हमारे यहां तो दीपक की परंपरा है।
कहा कि हाँ, कितने सालों से मैं लंदन हूं, लेकिन दीपावली का पर्व जब भी आता है, सभी पर्व को मैं संस्कृति को नहीं छोड़ता, संस्कृति को मैंने संभाल के रखा है। और तीसरे नंबर में कहा कि मैं श्रद्धा नहीं छोड़ता। किसकी श्रद्धा? मेरे ऊपर खुद का आत्मविश्वास मैंने नहीं गंवाया कभी। कहा कि हालात 2 महीने पहले ऐसे हुए कि मैं कुछ नहीं बन सकता, लेकिन मैंने मेरा आत्मविश्वास नहीं खोया। लगा रहा और उसका रिजल्ट मेरे सामने ये है कि मैंने खुद के ऊपर की श्रद्धा गवाई नहीं, मैंने मेरी संस्कृति को छोड़ी नहीं। और निश्चित तौर पर शास्त्र में हमेशा साथ में रखता हूं, ताकि जीवन में जब जब परेशान हो जाओ, जब जब दुखी हो जाओ, तब तक मुझे मार्ग दिखाने वाली ये भगवद गीता है। और इसीलिए मैं आज जीवन में सफल हो पाया हूं, ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं लंदन के जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो ऋषि सुनक। और देखिए नाम भी कैसा, ऋषि। जो ऋषि मुनियों को उन्होंने सालों साल गालियां दी कि ऋषि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, साधु संत ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, अब वही ऋषि उनके ऊपर राज करेगा। ये समय का चक्कर है, बारी सबकी आती है, आज मेरी, कल आपकी, परसों और किसी की, बारी सबकी आती है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि जब अच्छा समय चल रहा हो, तब जीवन में जितना अच्छा होता हो कर लो, बहुत सोच विचार में ना रहो, बहुत विचार करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। जहां जहां अवसर मिले, जहां जहां चांस मिले, जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जहां जहां तक मिले, अवसर को ले लो, क्योंकि धर्म के स्वीकार के बिना जीवन में ना कोई आगे बढ़ा है, ना कोई आगे बढ़ेगा। चाहे वो लंदन के, ब्रिटेन के बड़ा प्रधान हो, चाहे भारत के प्रधान मंत्री हो, चरणों में शीश सभी को झुकाना पड़ता है, धर्म का स्वीकार सभी को करना पड़ता है, और तभी जाके जीवन में वो कुछ प्राप्त कर पाए। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।